हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अनु बंशीवाल। और आज के ऑनलाइन लेक्चर का टॉपिक जो है वो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन बुक में से लिया गया है। इससे पहले भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जैसे टॉपिक्स स्टडी कर चुके हैं। इसके अंदर हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किस किस मेथड से इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे रही है जहाँ पर पी क्यू आर ये तीन ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड का कोफिशियंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप के अगर आपके पास में कोई समीकरण है तो ये समीकरण हमारे पास में क्या कहलाती है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसका जनरलाइज फॉर्म भी होता है, यहाँ पर सिर्फ तीन वेरिएबल की बात की गई है, वेरिएबल दो भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमने थ्री वेरिएबल्स की बात की है। एक्स वाई जेड फलन, अगर एक्स वाई जेड हम ले रहे हैं वेरिएबल्स तो उनके लिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू जीरो ये एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अगर सिर्फ हम यहाँ पे एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई में हमारे पास में ये जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, और ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम थ्री वेरिएबल्स के लिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो इक्वेशन है ये हमारे पास में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर हमें वापस से ही डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो रही है, तो वो फंक्शन हमारे पास में, मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास में यही इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिंपली इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में ये फंक्शन हो जाएगा। बट कई डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें सिंपल हमें इस तरीके से फंक्शंस फाइंड आउट करना इजी नहीं होता है, तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू हमें टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि कौन सी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे जिसके लिए कि हम पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड का इंटीग्रेशन करके उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन देखेंगे इस टाइप की टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको सेटिस्फाइड करने के बाद में हम एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन या एग्जांपल स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ये नेसेसरी कंडीशन चेक करनी होगी। अगर ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दैट मीन्स जो आगे आने वाले लेक्चर्स में जो हम मेथड स्टडी करेंगे वो मेथड अप्लाई करके हम इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर वो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू जीरो, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया है, यह हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी, यहाँ पर हमारे पास में कोई फंक्शन है जो कि इस इक्वेशन का जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि अगर इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें तो कुछ इस तरीके का हमें इक्वेशन प्राप्त हो रहा है और ये हमारे पास में क्या है, जनरल फॉर्म है जो कि कुछ इस तरीके की हमारे पास में दिखाई दे रही है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी एफ इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, एल्फा पी डी एक्स प्लस एल्फा क्यू डी वाई प्लस एल्फा आर डी जेड, ये हमारे पास में जनरल फॉर्म है। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो डी एफ जिसे हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हम फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं उसके अंदर हम डी एफ जैसे ऑपरेटर जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है अगर उसको हम ओपन करें तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो हम यहाँ इजीली देख पा रहे हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एल्फा पी, डेल एफ अपॉन डेल वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है एल्फा क्यू और डेल एफ अपॉन डेल जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है एल्फा आर। तो यहाँ अगर हमने कंपैरिजन किया तो हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू पी क्यू आर की फॉर्म हमें प्राप्त हो सकती है। फॉर कंटिन्यूस फंक्शन हम यह मान के चल रहे हैं कि एफ जो है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम जानते हैं कि अगर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई किया जाए तो ये चीज़ बराबर होती है कि अगर हम डेल टू एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करें एंड देन वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो ये दोनों जो टर्म्स है वापस में बराबर होती है। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स
ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारे पास में क्या था, अल्फा क्यू, और डेल अपॉन डेल वाई में ये जो डेल एफ अपॉन डेल फा एक्स है ये हमारे पास में क्या है, अल्फा पी है। तो यहाँ पर अगर हम ये सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। तो इस इक्वेशन में हमने देखा ये कंडीशन हमें फाइनली इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होती है, अल्फा डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल क्यू डेल अल्फा अपॉन डेल एक्स माइनस पी डेल अल्फा अपॉन डेल वाई। तो जिस तरीके से हमने ये वाला कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ की है एक्स वाई के लिए, इसी तरीके से वाई जेड और जेड एक्स के लिए भी यूज़ करके हम दो रिलेशन और जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास में एफ कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और उसका हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन करें और कंपैरिजन करके कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो हमारे पास में ये तीन रिलेशन जो है वो हमें फाइंड आउट हो रहे हैं। अब यहाँ पर इन रिलेशंस में हमें करना क्या है, ये जो अल्फा वेरिएबल है इसका विलोपन करना है ताकि हम एक कंडीशन जो है वो पी डी एक्स क्यू डी वाई और आर डी जेड के लिए फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर हम अल्फा का विलोपन करने के लिए क्या करेंगे, कुछ टर्म्स में वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, अल्फा का विलोपन करेंगे। तो यहाँ अल्फा का विलोपन करने पर हमारे पास में जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की प्राप्त हो गई, पी डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब ये नेसेसरी कंडीशन जो है वो हमें याद रखनी है, यानी कि कोई भी जो हमारे पास में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी इंटेग्रेबिलिटी कंडीशन जो है वो हमारे पास में क्या होती है, ये होती है। अगर हमारी कोई भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है दैट मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इस इक्वेशन को याद करने के लिए हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो सिंपल डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमें क्या याद रखना है, पी क्यू आर अपॉन सॉरी पी क्यू आर सेकेंड रॉ में हमारे पास में आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एंड अगेन थर्ड रॉ में पी क्यू आर आ जाएगा। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो यही कंडीशन जो है वो हमारे पास में क्या जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो जस्ट इसको याद करने के लिए हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में रख के भी याद कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है तो सबसे पहले हमें उससे ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी है, उसके बाद में हम उस इक्वेशन को जो हम आगे अर्लियर लेटर हम जो मेथड्स स्टडी करने वाले हैं उनसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सब हमने ये कंडीशन स्टडी करी, इसके बाद में देखते हैं हमारे पास में कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, यानी कि कोई जो इक्वेशन है वो हमारे पास में एग्जैक्ट है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे पर्टिकुलर केस कंसिडर किया है। अभी जो हमने डीएफ निकाला था उस डीएफ में अगर हम अल्फा की जगह वन पुट कर दें तो हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी जेड प्लस आर क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड जो है, अगर एफ बराबर सी का कोई एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है यानी कि कोई फंक्शन है उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हमारे हमें कैसे चेक करना है कि कोई टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में एग्जैक्ट है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर केस स्टडी कर रहे हैं इस नेसेसरी कंडीशन का कि अगर हम अल्फा बराबर वन पुट कर दें तो अल्फा बराबर वन पुट करने पर हमारे पास में डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, और डी एफ अगर हम टोटल डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला निकाले और कंपैरिजन करें तो पी इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल जेड हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम ये कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी फंक्शंस की यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास में सिंपली आ रहा है डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं डेल क्यू बाई डेल जेड जो है वो डेल आर अपॉन डेल वाई के बराबर होना चाहिए, और डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो डेल पी बाई डेल जेड के बराबर होना चाहिए। यानी कि किसी भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे पहले हमने चेक की कि क्या वो उसकी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है उसके बाद में हम चेक करते हैं कि क्या वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है या नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाइड करता है दैट मीन्स एक सिंपल ऐसा फंक्शन हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इजीली प्राप्त हो जाए। तो अगर हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है दैट मींस वो इक्वेशन जो है वो क्या है, एग्जैक्ट है।
इसी का सफिशिएंट कंडीशन जो है वो आप बुक में से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में कोई टर्म समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के मैथड्स पढ़ेंगे, और उन मैथड्स में सबसे पहला मैथड है हमारे पास में इंस्पेक्शन मैथड फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन। दैट मीन्स अगर हमारी इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें आप समीकरण का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ टर्म्स को शफल करने पर या अपॉन में लाने पर या मल्टीप्लाई करने पर हम उसे एग्जैक्ट फॉर्मेट कन्वर्ट कर पा रहे हैं और उसको उस मैथड से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो मैथड हमारे पास में क्या होता है, इंस्पेक्शन मैथड होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में होमोजीनियस इक्वेशन है तो उनको सॉल्व करने के लिए मैथड ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, जिसे हम समघात समीकरण विधि भी कहते हैं। मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन है सहायक समीकरण विधि, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जनरल मेथड सामान्य विधि। तो ये चार तरीके के मेथड से हम किसी भी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो हमारी नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है तो हम इन चार मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इंस्पेक्शन मेथड से हम किसी भी एग्जैक्ट इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वर्किंग रूल मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। कंडीशन फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन, सबसे पहले तो हमें नेसेसरी कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद में हमें एग्जैक्ट की इक्वेशन मतलब चेक करनी है, एग्जैक्ट की कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है, दैट मीन्स आपका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हमने ये पढ़ा है अर्लियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि किस तरीके से किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसे हम चेंज कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इंस्पेक्शन मेथड से। ये ध्यान रखना है इंस्पेक्शन मेथड जो है सिर्फ एग्जैक्ट इक्वेशन के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। एक इस तरीके का हमने क्वेश्चन लिया, 2x² + 2xy + 2xz² + 1dx + dy + 2z dz = 0। ये एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये PdX + QdY + RdZ की फॉर्म में हमें दे रखी है। तो यहाँ कंपैरिजन करके हम PQR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। PQR की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम यहाँ पर P जैसे dx के का कोफिशियंट है तो P का जो डेरिवेटिव है वो हम सिर्फ y और z के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। इस तरीके से यहाँ पर q आता है तो q dy का कोफिशियंट है तो q का डिफरेंशिएशन हम x और z के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। इस तरीके से r जो है वो dz का कोफिशियंट है तो r का जो डिफरेंशिएशन है वो हम x और y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद में हमने देखा कि ये एग्जैक्ट की जो कंडीशन है उसको इजीली सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड सेकंड थिंग, हमें इसकी इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन चेक करनी है कि क्या वाकई ही यहाँ पर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये जो हमारे पास में इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन थी, जो नेसेसरी कंडीशन थी, उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास में जो कंडीशन थी कुछ इस फॉर्म में थी, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्वेबल है, इंटीग्रेबल है। एंड सेकंड थिंग कि ये एग्जैक्ट भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट फॉर्म में मतलब इसको थोड़ा सा शफल करके टर्म्स को इसको टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इक्वेशन जो है 2x² + 2xy + 2xz² + 1dx, इस पार्ट को हम दो टुकड़ों में यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, dx को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, 2x² + 2xy + 2xz² dx + dx + dy + 2z dz। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हम इस टर्म में से 2x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में अंदर ब्रैकेट में बचेगा x + y + z² और x + y + z² का सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर इस टर्म के अंदर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2x कॉमन लेने के बाद में इस टर्म में x + y + z² का भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में हमने देखा 2x dx + dx + dy + 2z dz upon x + y + z² = 0। ये हमारे पास में हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टर्म में रिड्यूस हो गई है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 2x dx जो है इसे हम सिंपली लिख सकते हैं x² का डिफरेंशिएशन, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं log
एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर हम लॉग को सॉल्व करते हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का मतलब वन अपॉन ये वाली टर्म जो हमारे पास में एक्स की फॉर्म में दे रखी है, और जब हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स डी वाई प्लस टू जेड डी जेड ये हमें ऊपर दे रखी है। दैट मीन्स ये जो टोटल टर्म है इसे हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एग्जैक्ट ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ही हमारा क्या है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली हमारे पास में सॉल्यूशन जो है इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इंस्पेक्शन मैथड से सॉल्व करें, इंस्पेक्शन मेथड दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास में एग्जैक्ट है, और अगर टर्म्स को थोड़ा सा शफल करें तो हम इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स डी जेड इक्वल टू जीरो। ये एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसकी इंटेग्रेबिलिटी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, और पी क्यू आर की वैल्यू निकालने के बाद में जो भी हमारी नेसेसरी कंडीशन की इक्वेशन थी उसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे और इसे चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है कि ये जो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है उसको सेटिस्फाइड करता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट है या नहीं ये भी हम चेक कर सकते हैं, और एग्जैक्ट होने के बाद में इसको इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड दैट मींस हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या एग्जैक्ट है या नहीं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, और यहाँ पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट डेरिवेटिव जो है वो बना सकते हैं। दैट मींस यहाँ पर एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर यही इक्वेशन हमें वापस प्राप्त हो जाएगी। तो इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टर्म्स का शफल करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म के अंदर हमें जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये टर्म्स जो है हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास में आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स डी जेड इक्वल्स टू जीरो। अगर हम टर्म्स को थोड़ा सा शफल करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स डी जेड अपॉन जेड। एक्स और y की टर्म एक तरफ रखने पर और z की टर्म एक तरफ रखने पर हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर tan इनवर्स y अपॉन x को हम कोई वेरिएबल v कंसिडर कर रहे हैं तो डी वी इक्वल्स टू हमारे पास में क्या जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। दैट मीन्स कुछ इसी तरीके की टर्म हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर माइनस के साइन का डिफरेंस है तो इस पूरी टर्म की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी वी, और tan इनवर्स y अपॉन x की जगह लिख सकते हैं v, और इक्वल्स टू में हमारे पास में चल रहा है dz अपॉन z। अब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें सिंपली ये पता है कि वन अपॉन वी जो है वो हमारे पास में लॉग वी का इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग सी जेड, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ सही की टर्म बन जाएगी वन अपॉन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी जेड। यहाँ पर अगर हम टर्म्स को थोड़ा सा शफल करें तो हम वाई एक्स की फॉर्म में ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो प्राप्त कर सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स टेन वन अपॉन सी जेड। यानी कि इस तरीके की जो इक्वेशंस हैं जो कि एग्जैक्ट हैं तो उनमें सिंपली हम टर्म्स को शफल करके उनका टोटल डेरिवेटिव जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन या एग्जांपल की किसी टर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।